Let's go. Yeah. जय माता दी। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं अभी 5 बजे उठ गई थी, चाय वगैरह बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था और देख सकते हैं कि वो अभी निकल गए, उनको पिक करने आ रहे हैं। तो अभी वो वेट कर रहे हैं किसी का, तो वो चले गए हैं। और आज थोड़ा सा काम भी है, सुबह सुबह पहला दिन है नवरात्र का। तो नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी का पहला दिन, और आप लोगों को पता है मेरे 9 दिन के व्रत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला दिन और बहुत एंजॉय करते हैं माता रानी के लिए 9 दिन। तो अभी तो मुझे मंदिर भी जाना है, तो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं घर का सारा काम। सो नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और उनको कोई पिक करने आ रहा है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। वो अभी फ़िलहाल कह रहे थे नीचे थोड़ा सा टहली लूँगा, तो इस वजह से वो चले गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ लवी को स्कूल से लेने, और क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी फ़ोन आया था कि मैं नहीं ला पाऊँगा, मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ लवी को स्कूल ड्रॉप करने। और सोच रही थी कि फ़ीस भी पे कर दूँगी क्योंकि ऑनलाइन नहीं कर पाई थी मैं इस बार पे, तो मैं साथ साथ मैंने सोचा कि स्कूल में फ़ीस भी पे कर दूँगी। और वहीं से लवी को हम छोड़ कर मैं पारस आ गए हैं देवी मंदिर, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ का। और पहले कहते थे बहुत ज़्यादा रोड से भीड़ लगती थी, बट अब भीड़ कम हो गई है, बहुत ईजी दर्शन हो जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर और मंदिर में कर रहे हैं दर्शन, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे और हर नवरात्रि को मैं यहाँ पे आती हूँ। पहले लॉयन को करो, प्रणाम करो। हनुमान जी को करो प्रणाम। प्रणाम करो। सो फाइनली हम लोग मंदिर से आ गए हैं घर पे, और लवी को वहीं से स्कूल ड्रॉप कर दिया था और फिर वहीं से मंदिर चले गए थे और आ गए घर वापस। और अब जा रही हूँ मैं भगवान की पूजा करने घर की, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी था तो हम लोग घर की पूजा नहीं किए, पहले मैं मंदिर ही चली गई, उसके बाद अब जा रही हूँ घर की पूजा करने, तो उसके बाद ही फिर चाय पीऊँगी मैं। सो फ्रेंड्स, चलिए भगवान की पूजा कर लेते हैं थोड़ी देर। फ्रेंड, जब तक पारस खेल रहा है तब तक मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बुला रही थी वो आ ही नहीं रहा था, तो मैं माता रानी का आज बनाए दे रही हूँ अलग से सिस्टम उनका। और आज से नवरात्रि चालू हो गए हैं, तो माता रानी को सजाते हैं। चलिए, हो गए थे चांदी के बर्तन थे वो भी बहुत गंदे हो गए थे, तो देखिए मैंने क्या यूज़ की जिससे वो बिल्कुल साफ हो गए। ये देखिए, ये मेरे पास है सिल्वर डिप है मेरे पास ये, मतलब चांदी के बर्तनों के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे इतने काले बर्तन हो गए थे चांदी के, और वो देख सकते हैं कितना अच्छा डिप था चांदी के बर्तन। ये देखिए, मेरी चांदी की सेरा वाली माता थी तो बिल्कुल साफ़ हो गई। और ये चांदी की कटोरी, ये बिल्कुल ऐसी थी, देखो ये काली हो गई थी बिल्कुल, अब बिल्कुल ऐसी हो गई है बिल्कुल क्लीन। ये गिलास भी मेरा चांदी का बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ये भी बहुत काले काले हो गए थे, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गए अभी। तो मैं मंदिर की सफाई कल कर दी थी और इस टाइम पूजा करना, और देख सकते हैं मैं माता रानी को अपने बहुत अच्छे से सजाया है, उनको रोली चंदन भी लगा दिया है। तो फाइनली पूजा कर ली है मैंने अपनी, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो हेडेक होता है मेरे को बहुत ज़्यादा, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने पीने। तो मैंने चांदी के बर्तन वॉश कर दिए हैं, और अब मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड के जो कवर है उसमें ये ताम पात्र रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे ये भी, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ कर दिए, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गए हैं ये। क्या कर रहे हो पारस? ओ पारस, क्या हो रहा है? हेलो, गैस से दूर हटो। तो सफाई का काम तो फिलहाल ख़त्म हो गया है, और हाँ हाँ
ठीक। अब मैंने देखी अपनी पायल भी मेरी काली हो गई थी, तो मैंने पायल भी अपनी क्लीन कर दी बिल्कुल और साफ के साथ। वो सिल्वर टी बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए और बिल्कुल नई कर दी उसने तो। और यहाँ का पानी तो ऐसे भी है, ब्लैक हो ही जाती है, चांदी बहुत जल्दी ब्लैक होती है। तो मेरे को बहुत अच्छा मिला था ये, मुझे मोदी केयर से मिला था फिलहाल ये। तो चले चलते हैं, अब सफाई का काम तो ख़त्म और चाय पी लेते हैं क्योंकि मैंने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ इस टाइम चाय पी। सो अब मैं फ्री थी और मॉर्निंग में मैं बालकनी क्लीन नहीं कर पाई थी अपनी, तो अब इस टाइम फ्री हो गई थी तो मैंने कहीं कोई काम नहीं है तो अपनी तब तक बालकनी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह यहाँ झाड़ू पोछा नहीं किया था मैंने, तो इस वजह से अब पारस भी सो रहा है तो मैंने सोचा कि यही कंप्लीट कर लेती हूँ। सो आज मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, नवरात्रि चल रहे हैं तो वो बहुत बिजी हैं और स्कूटी भी ले गए हैं, तो इस वजह से आज लवी को मैं पारस रिक्शे से पिक करने जा रहे हैं और सोसाइटी के अंदर से ही जा रहे हैं, बाहर से नहीं जा रहे। सो लवी आ गई है, दोनों खाना एंजॉय कर रहे हैं और मेरा भी फास्ट था तो मैंने अपने लिए चाय और थोड़े से पीनट्स फ्राई किए थे। लवी को लेके आई हूँ स्कूल से और वो खाना खा रहे हैं और मैंने अपने लिए बना ली है चाय क्योंकि मेरे को भी प्यास लगी हुई थी और थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी। मैंने सुबह से अभी खाया नहीं, वन बनाना खाया था बस। तो अब मैंने लिए अपने थोड़े से पीनट्स फ्राई किए हैं और अपने लिए चाय बनाई। इतनी सारी पिलोज यहाँ पे क्यों डाल रखी हैं? क्या कर रहे हो दोनों? क्या कर रहे हो? ये खेल है। ऐसे खेलते हैं? ऐसे खेलते हैं? सो फ्रेंड्स, अब हम लोग खेल रहे हैं पारस के साथ क्रिकेट और लवी भी कह रही थी कि मम्मा मेरा भी होमवर्क हो गया है, तो वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। तो पारस के साथ हम लोग खेल रहे हैं और खेलते खेलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बट पारस नहीं मान रहा है, मतलब खेलो, कंटिन्यू खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। मैंने उसको कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर खेलना, बट नहीं, उसको खेलना ही खेलना है। एक्चुअली क्रिकेट उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा है पारस को, तो इसलिए खेल रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और शाम का ब्लॉग मैं कल डाल दूँगी, तो इस वजह से चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो देखिए पारस अब भी नहीं रुक रहा है, मैं थक गई बट वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे खेलना खेलना है, तो चलिए चलते हैं इसके साथ खेलते हैं क्रिकेट।